गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रॉबिन रिहिला एंड नाउ लेट मी स्टार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज गुडविल. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज व्हाट इज गुडविल. सो दैट गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर सिमिलर फर्म्स बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्रीज. आफ्टर दैट परचेज गुडविल. अब गुडविल को परचेज कैसे किया, गुडविल परचेज भी की जाती है. गुडविल परचेज कैसे की जाएगी, पहले डेफिनेशन देखेंगे, इसकी मीन देखेंगे. एंड ऑफ परचेज गुडविल अराइज व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज परचेज बाय अनदर बिजनेस. जब एक यूनिट किसी अदर यूनिट से गुडविल को परचेज करती है तो उसी को परचेज ऑफ गुडविल बोला जाता है. तो रिपीट करते हैं, परचेज गुडविल अराइज बाय अ बिजनेस यूनिट इज परचेज बाय अनदर बिजनेस कंसर्न एंड द परचेज प्राइस पेड इज इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट. जब प्रीवियस इंडस्ट्रीज अपनी यूनिट के साथ किसी अदर बिजनेस की यूनिट को परचेज करती है तो सीधी सी उसकी नेट एसेट इंक्रीज होती है. सो नेट एसेट फॉर्मूला इज टोटल एसेट या एसेट माइनस लाइबिलिटीज. अब गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके कुछ फार्मूलाज और पॉइंट हैं. तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड डिवीजन बाय टू फार्मूलाज. फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड डिवीजन बाय टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सो फर्स्ट वी स्टार्ट बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. इस वाले मेथड में केवल दो ही चीज आपको गिवन होती हैं. पहला ये कि कंपनी के लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होते हैं. लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स, इस टाइप से प्रॉफिट गिवन होते हैं. और एक नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे कि अभी पिछला महीना परचेज गुडविल मैंने बताया था, नंबर ऑफ परचेज गिवन होते हैं. सो दैट लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट एंड फर्स्ट प्रॉफिट इज 2000, सेकेंड इज 1000, थर्ड इज 3000 एंड फोर्थ इज 4000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इक्वल 2 ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है. कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होती है तो 1 ईयर्स एज्यूमिंग के साथ आप नंबर ऑफ परचेज ईयर को यूज़ कर लिया जाता है. तो इसमें फर्स्ट पहले निकालेंगे आप एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट में जितने ईयर्स की आपको प्रॉफिट गिवन होते हैं उन सबको आप प्लस कर लेते हैं और उस एड से एड को जितने साल के प्रॉफिट गिवन होते हैं उसी से आप डिवाइड करते हैं. सपोज दैट 4 साल के प्रॉफिट आपको गिवन है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे. 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है, 5 ईयर्स से डिवाइड करेंगे. 6 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, 6 से डिवाइड करेंगे. 10,000 डिवाइड बाय 4 एंड टोटल अमाउंट इज 2500. एंड लास्ट फार्मूला इज गुडविल इक्वल, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एंड एवरेज प्रॉफिट इज 2500 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, सो टोटल गुडविल इज 5000. एंड सेकेंड मेथड इज
वेटेड एवरेज मेथड। सेम प्रोसेस के साथ लास्ट फोर इयर्स के, फाइव इयर्स के प्रॉफिट आपको केवल होंगे, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 1000, सेकंड ईयर प्रॉफिट इज 2000 एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट इज 3000 एंड फोर्थ ईयर प्रॉफिट इज 4000। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको गिवन होंगे, टू ईयर्स। इसमें एक नई चीज और गिवन होती है जो आपका वेटेड का, वेटेज मींस क्या होता है, वेटेज, वेटेज या कंटिन्यूस सीरीज में गिवन होता है। जैसे फोर ईयर्स है तो वेटेड यहाँ पर आपका फोर के अकॉर्डिंग ही होगा, वो अलग अलग तरीके से गिवन होता है, जैसे 1:2:2:3:4 इसको इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, 1:2:3:4 या फिर ऐसे भी गिवन हो सकता है 1%:2%:3%:4% या फिर ऐसे भी गिवन हो सकता है 1 pice, 2 pice, 3 pice या 4 pice। कहने मतलब ये है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होगी, जितने साल के प्रॉफिट गिवन होते हैं उसी के हिसाब से उतने आपको वेटेज गिवन होते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होता है, उस टेबल को आप कैसे बनाएंगे ये देखिए। पहला जो कॉलम है आपका वो ईयर्स का आता है, ईयर्स में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, या फिर 2004 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2005, 2006 एंड 2007, इस तरीके से जो भी आपको गिवन होते हैं उसको आप मेंशन करते हैं। इसके बाद एक कॉलम आता है आपका प्रॉफिट का, प्रॉफिट को आप शॉर्ट में पी भी कर सकते हैं अमाउंट के साथ। तो पहली अमाउंट थी आपकी 1000, सेकंड 2000, फिर 3000, फिर 4000। इसके बाद एक कॉलम आता है आपका वेटेड का, वेटेड को आपको शॉर्ट में W शो करना पड़ेगा, वेटेड था आपका 1, 2, 3, 4। इसके बाद एक कॉलम आता है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल होता है पी पर प्रॉफिट इंटू W यानी कि वेटेज। तो 1000 × 1 = 1000, 4000, 9000 एंड 16000। इसके बाद आपको यहाँ पर इनके टोटल करना होता है, पहले टोटल करते हैं आप वेटेज का जो 10 है, दूसरा टोटल करते हैं आप इसका जिसका अमाउंट आपका 30000 आता है, फिर आप फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज वेटेड प्रॉफिट इक्वल प्रोडक्ट अमाउंट अपॉन टोटल वेटेड एंड आउट 30000 डिवाइड बाय 10 इक्वल ओनली 3000 एंड लास्ट फॉर्मूला इज गुडविल इक्वल एवरेज वेटेड प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो प्रॉफिट इज 3000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2000, सो अमाउंट इज 6000। थैंक यू।